नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए 4 आलू और 3/4 कप मटर लिए हैं, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्ची, अदरक इसे कद्दूकस कर लिए और हरा धनिया। ये तेल का लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है। अब इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे। हींग डाल देंगे, गैस को सिम रखेंगे। आधी चम्मच राई और आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस सिम रखे, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची तीनों से डाल देंगे। मसाले डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आप हल्दी कम कर सकते हो, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक और इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि मैं ये रेसे वाली बना रही हूँ। अगर सूखी बनाए तो इसमें पानी नहीं ऐड करें। और इसमें आलू और मटर दोनों डाल देंगे। गैस फुल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी लेके गैस बंद कर देंगे। मैंने 3 सीटी ली थी, भाप खत्म हो गई। अब चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। आलू भी सीज गए हैं। अगर आपको लगे कि आलू नहीं सीजे तो आप 1 सीटी और ले सकते हो, बाकी सीज जाते हैं 3 सीटी में तो। और आपको लगे कि 2 सीटी सफिशियंट है तो आप 2 भी ले सकते हो। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हो, मैं गरम मसाला नहीं डाल रही। और इसे मिक्स कर लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।